अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल मरीदवाला। द व्यूअर्स हु आर न्यू एट दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू मे रिसीव द रीसेंट वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हियर इज द 8th लेक्चर ऑफ साइंस। प्लीज ओपन योर साइंस बुक पेज नंबर 36। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एनिमल्स, उसकी हम रीडिंग कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड डे है उस रीडिंग का। तो यहाँ है कंसेप्ट चेक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं पेज नंबर 36 पे। आर डैश एनिमल इज वन दैट इज केयर्ड फॉर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस। जानवर जो हमारी केयर करता है और यूज़ होता है ह्यूमंस के लिए, यानी उससे कोई काम लिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम वाइल्ड एनिमल या टैम। वाइल्ड होते हैं जंगली, टैम होते हैं जो घरों में पाले जाते हैं। तो इधर क्या आएगा हमारा, टैम। नेक्स्ट है पेट्स एंड डैश एनिमल्स आर टैम एनिमल्स। पेट्स जो पालतू जानवर होते हैं, एंड हमने रीडिंग में पढ़ा था डोमेस्टिक। वाइल्ड तो जंगली होते हैं, डोमेस्टिक जो जानवर होते हैं वो टैम एनिमल होते हैं। नेक्स्ट है जी तो थर्ड वाला हमारा है डैश कैन बी यूज टू पुल कार्ट्स। कार्ट्स कहते हैं बैलगाड़ियों को। डैश कैन बी यूज टू पुल, कौन सा जो जानवर है वो बैलगाड़ियाँ जो होती हैं उनको खींचने के काम आता है। तो ये माइस तो चूहा होता है, हॉर्सेज जो होते हैं वो घोड़े होते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा, हॉर्सेस। हाँ जी, आगे रीडिंग करते हैं। बेबी एनिमल्स, जानवरों के जो बच्चे होते हैं। मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवर हैव बेबीज, उनके बच्चे होते हैं। दैट लुक लाइक देम, जो बिल्कुल उनकी तरह नज़र आते हैं। अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते। फ्रॉग्स एंड फिश ले एग्स। फ्रॉग, मेंढक और फिश जो होते हैं ले एग्स, अंडे देती हैं इन वाटर, पानी में। बेबी फिश आर कॉल्ड फ्राई। बेबी फिश जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्राई। बेबी फ्रॉग आर कॉल्ड टैडपोल्स, जो मेंढक के बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टैडपोल्स। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते। अब यह देखें, ये फ्रॉग बना हुआ और उसके साथ उसके बच्चे हैं, ठीक है। जो बेबीज जब छोटे होते हैं तो वो फ्रॉग की तरह बिल्कुल नज़र नहीं आते, उनसे मुख्तलिफ होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। अब ये देखें, ये है हॉर्स एंड फॉल। हॉर्स है और उसका बच्चा है। अब ये देखें, हॉर्स का जो बेबी है वो लुक सेम अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आता है। ऐसे है स्वैन एंड सेगनेट। स्वैन एंड सेगनेट, अब ये देखें, ये लुक सेम वैसा ही नज़र आता है। अब ये बियर एंड कब। बियर और उसका जो बच्चा, बियर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, कब। ये अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, लेकिन जो फ्रॉग होता है, जो फिश होती है, वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते, ठीक है। आगे है, आगे भी कंसेप्ट चेक वाला है। मैच द अडल्ट्स विद देयर यंग्स, यानी कि जो जवान जानवर होते हैं उनको उनके बेबीज़ के साथ, छोटे बच्चों के साथ मिलाना, ठीक है। अब ये देखिए स्वैन है, तो स्वैन के बेबी को क्या बोलते हैं, सेगनेट। ये देखिए हमने रीडिंग में पढ़ा था स्वैन एंड सेगनेट। स्वैन को हमने सेगनेट के साथ मैच कर दिया। अब उसके बाद है फ्रॉग। फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं हम, टैडपोल। ये देखिए पहले मैंने बताया फ्रॉग एंड टैडपोल। फ्रॉग का जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, टैडपोल। उसके बाद है बियर। बियर के बेबी को हम बोलते हैं कब। ये देखिए हमने रीडिंग में पढ़ा था बियर एंड कब, तो बियर का बेबी क्या हुआ, कब। उसके बाद है कैट। कैट के बेबी को हम बोलते हैं किटन। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, किटन। उसके बाद है फिश। फिश के बेबी को हम बोलते हैं फ्राई। ये हमने रीडिंग में पढ़ा है बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई। तो बेबी फिश का जो बेबी हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, फ्राई। अब आगे है हॉर्स। हॉर्स के बेबी को हम बोलते हैं फॉल। ये देखें, ये पिक में बना हुआ है हॉर्स एंड फॉल। हॉर्स को हम किसके साथ मैच करेंगे, फॉल। हाँ जी, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। आज का हमारा पेज 36 है, इसी को आपने रीड करना है और इसके जो कंसेप्ट चेक
करवाए हुए मैंने, वो भी आपने साथ में लर्न करने हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ़।